नानक पार नानक सब थाए कोकार नानक हार नानक पार नानक सब थाए क्यों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है ऋतिक कुमार और मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, गुलजार कॉलेज के सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने मिलकर छवि लगाई। इसको कवर किया है हमारे संवाददाता प्रीतम पाठक ने और उन्होंने वहाँ पर लोगों से भी बातचीत की। आइए चलते हैं इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे संवाददाता प्रीतम पाठक के पास। ओवर टू यू प्रीतम। हमारे साथ मौजूद है इनके मेन ऑर्गेनाइजर वरिंदर सर, आइए इनसे बात करते हैं। सर, इतने धूप में आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर गुरु के लंगर में काफ़ी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर छबीर का लंगर रहे, तो आपका पहला यहाँ पर क्या रहेगा जो आप बोलना चाहोगे? आई थिंक ये सारा का सारा बच्चों का इनिशिएटिव है। बच्चों ने खुद इनिशिएटिव लिया था कि हम ये काम करना चाहते हैं और वो आप देख सकते हैं, वो सब बच्चे खुद इन्होंने सारा का सारा खुद ऑर्गेनाइज किया है। ये खुद बच्चे धूप में लगे हुए हैं, तो ए टू जेड सारा क्रेडिट इन बच्चों। यहाँ पर छबीर पे कैसा लग रहा है? छबीर जी देखो, ये तो पंजाबियों का कल्चर है जी, प्यासे नूं पानी पिलाउंदे आ, भुक्खे नूं रोटी लाउंदे, है ना भाई। वधिया लगदा, इन्नी गर्मी है, चाहे 44-45 डिग्री टेंपरेचर है, पानी पी के ठंडक महसूस। बात करते हैं सर, आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने का आइडिया कैसे आया, आपने इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया? सर, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना आजकल, तो जैसे हम देखते हैं पंछी और आदमी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिग्री हो रही है, सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें आइडिया है कि ना जो सड़क पे जा रहे हैं कई, तो जैसे हम गाड़ियों वाले हैं वो तो चले जाते हैं, और जो साइकिल पे होते हैं, बाइक पे होते हैं, उनके लिए ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, लगाई जाए ठंडे पानी वाली। आपने ये इवेंट आज ऑर्गेनाइज किया, इससे पहले भी ऑर्गेनाइज करते होंगे, तो आने वाले टाइम में आपको ऑर्गेनाइज करने का कोई आपका प्लान है इस इवेंट? हाँ हाँ भाई, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो, अगर वाहेगुरु की कृपा रही हम पे, तो हम आगे भी ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के HOD डॉक्टर राकेश कुमार। सर स्वागत है आपका। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो ये छवि लगाई गई है इसमें किस किस का सहयोग रहा? मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यस, इसमें किसका योगदान है और कैसे बच्चों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है, क्रेडिट है, वो सारा बच्चों को जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट्स के बच्चों ने मिलकर, गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स ने मिलकर ये जो शिविर है इसका आयोजन किया है। बहुत ही जरूरी थी इस टाइम पे, आप देख सकते हो कितनी गर्मी बढ़ी हुई है, हीट किस तरह से पड़ रही है, तो राहगीर जो हमारे कॉलेज के आगे से निकलते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये चीज़ रहेगी, क्योंकि शबील से वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। और ऑफ कोर्स जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ईश्वर है उनके दिल में इस टाइम पे, जो उसने आके ये उनके दिल में ये चीज़ डाली है कि यस, उनको जो शबील का आयोजन करना चाहिए। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे बच्चों को जिन्होंने इस टाइम पे आके इस चीज़ के बारे में सोचा और इसको एग्जीक्यूट किया, और थैंक्स टू द मैनेजमेंट ऑफ GJ जिन्होंने बच्चों को परमिशन दी, उनको सपोर्ट दिया कि हाँ, ये बच्चे इस तरह से यहाँ पर आयोजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे संवाददाता प्रीतम पाठक के द्वारा। गुलजार कॉलेज की सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के साथ। मैं ऋतिक कुमार, नमस्कार।